नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। जींद में लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर आपको बताते चले किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। यूरिया की कमी लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं किसानों की। यूरिया लेने के लिए किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें यूरिया नसीब नहीं हो रही है। यूरिया के लिए मारामारी लगातार जारी है। आप तस्वीरें देखिए जहां पर यूरिया की कमी के चलते कोरोना गाइडलाइंस की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यूरिया के लिए किसानों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। जींद सहकारी बिक्री केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। पुरानी अनाज मंडी में यूरिया आने की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद किसान वहां पर मौजूद हो जाते हैं और लंबी लाइन यहां पर देखने को मिल रही है। गेहूं की फसल के लिए यूरिया किसानों को नसीब नहीं हो रही है। यूरिया के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। हर साल ऐसी ही कुछ स्थिति देखने को मिलती है, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई समाधान नहीं निकालता है। किसानों की लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं, किसानों की परेशानी आप देख सकते हैं, किस तरीके से किसान परेशान है। यूरिया की कमी लगातार हो रही है और उन्हें यूरिया नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में लंबी लंबी लाइनों में आप देखिए कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। ना तो किसानों के चेहरे पर मास्क है और ना ही 2 गज की दूरी का ख्याल यहां पर रखा जा रहा है। खाद पहले तो डीएनपी में नहीं आया, फिर यूरिया जरूरत पड़ी, यूरिया मिलता नहीं, रोजे धक्के खाने पड़े हैं। अभी देश में क्या हाल है, आज एक गाड़ी है, एक आदमी कितने खड़े, यानी कि परेशानी है। परेशानी दे परेशानी, गया खड़े इतना यूरिया होया करता, कहाँ गया रेल ना रेल आया करती, वो कड़ा गया कौन खा गया थी। तो कहाँ से और कितने एकड़ के जिम्मेदार हो आप? मैं 7 एकड़ का जिम्मेदार हूँ। परेशानी आ रही है जी, खाद की, खाद नहीं मिल रहा और कई दिन से परेशान हो रहे हम। तो कितने एकड़ के जिम्मेदार? पहले डीएपी की कमी थी, अब यूरिया। पहले डीएपी की कमी थी जी, अब यूरिया नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है जी। कम से कम 2 घंटे तो अब खड़े ना हो गए हमने। लगातार जारी है, किसानों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, लेकिन यूरिया किसानों को नसीब नहीं हो रही है। खबर सोनीपत से है, जहां केएमपी पर रात का सफर मुश्किल और खतरों से भरा होता है। यहां पर शाम के बाद अंधेरा छा जाता है। यहां लगी स्ट्रीट लाइटें महज शोपीस बनकर रह गई हैं। 3 साल में कुछ दिन ही लाइटें चली। 1,873 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किए गए कुंडली से मानेसर तक करीब 83 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे पर रात के अंधेरे में हादसे का डर बना रहता है। अब सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में शहरों और गांवों के बाहर वाहनों को फर्राटा भरने के लिए बनाए गए इस एक्सप्रेसवे पर रात को अक्सर कोहरा छाया रहता है, जिसमें हादसों का भय बढ़ जाता है। तो आपको बताते चलें, ये एक्सप्रेसवे हादसों को निमंत्रण दे रहा है, क्योंकि आपको बताते चलें रात के समय स्ट्रीट लाइटें नहीं जलती हैं, घना अंधेरा यहां पर बना रहता है, और उसके बाद आपको बताते चले ठंड के मौसम में तो कोहरे की वजह से भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है। ऐसे में लाइट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन यहां पर प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। मेरा नाम जयराम है, मैं राय क्षेत्र से आता हूं। आज धुंध का काफी कहर है और जीट रोड पे जो पुल के कार्य लगातार चल रहे हैं उनकी वजह से जीट रोड काफी भीड़ा हो चुका है, जिससे जाम की परिस्थिति बड़ी पहले ही रहती थी और धुंध की वजह से माहौल और ज्यादा खराब है। इधर जो पीछे आंदोलन चला है उसकी वजह से लोकल रास्ते पहले से ही खराब है, केएमपी का बुरा हाल है, तो सरिये निकले पड़े हैं, दुर्घटनाओं का काफी समस्या बनी रहती है। रात के समय में अब केजीपी पर लाइट भी नहीं बल रही है और धुंध का काफी प्रभाव है, आज तो देखने में बड़ी मुश्किल महसूस हो रही है। अरविंद जी, कैसा मौसम आज? आज तो बहुत खतरनाक मौसम है जी। हाँ ठीक है, थोड़ा भी दिखाई नहीं देता है, धूल पड़ा है। हाँ कैंपिंग तो और बुरा हाल है, क्या करें, चला हाँ। भी ना जाता है, दिखाई हाँ। भी ना देता है। ठीक हाँ। है, और क्या दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है? किस तरह चला, दिखाई भी ना देता है, एकदम
कुछ खड्डा है, एकदम खड्डा होता है, चारों ओर गड्ढे पड़ा है, गड्ढे में गाड़ी पड़ जाती है, पलटी मारने लायक हो जाती है। तो लाइट भी लगी हुई है, वो चलती है? कहाँ लाइट जलती है, लाइट खराब पड़ा। गुरुग्राम में ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया, जिससे सर्दी का सितम लोगों पर भारी पड़ रहा है। इसी बीच सड़कों पर कोहरा भी अपना तांडव मचा रहा है। साथ ही साथ लगातार बढ़ रही सर्दी के बीच अब अगले दो दिनों में मौसम विभाग की माने तो हल्की बारिश हो सकती है, जिसके बाद कोहरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। जींद में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं फॉग लाइट चलाकर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। लोगों का कहना है कि 20 साल बाद ऐसी ठंड पड़ी है, जिससे 2 मीटर से ज्यादा कुछ नजर ही नहीं आता। कोहरे के कारण यात्रियों का कहना है कि पहले रोहतक जाने में 1 घंटा लगता था, लेकिन अब 2 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 8,847 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 46,935 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 8,847 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई, जबकि बुधवार को 6,768 मरीज कोरोना से ठीक होकर घर लौट गए हैं। अब आपको प्रदेश में कहां कहां कोरोना के कितने संक्रमित हैं इसका हाल भी बता देते हैं। फरीदाबाद में मिले 1,285 नए संक्रमित, एक्टिव केस 12,000 के पार पहुंच गए हैं। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं आपको बताते चलें, बुधवार को 8,847 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 59,344 पहुंच गई है। 46,935 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 24 घंटे में 12 संक्रमितों की मौत हुई है। गुरुग्राम में 2, करनाल में 6 मरीजों की मौत हुई है। सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में 1-1 मरीज की मौत हुई है। 24 घंटे में 6,768 मरीज ठीक होकर के घर वापस जा चुके हैं। गुरुग्राम में 2,918 नए संक्रमित मिले 24 घंटे में। आपको बताते चले, एक्टिव केस की बात की जाए तो 24,163 हो गई है। फरीदाबाद में मिले 1,285 नए संक्रमित और एक्टिव केस 12,059 पहुंच गए हैं। सोनीपत में 649 नए संक्रमित मिले, एक्टिव केस 2,590 हो गए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने किसानों के पैसे खा लिए हैं, करोड़ों रुपए किसानों के डकार लिए गए हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार ने खेती में इस्तेमाल किए जाने वाले सारे सामान को कई गुना महंगा भी कर दिया है। साल में 24,00,000 करोड़ रुपया वसूल लिया गया और हम वो आंकड़े आपको भेज रहे हैं। पहली बार इस देश में खेती पर टैक्स लगाया गया। खेती पर कभी टैक्स नहीं लगा 70 साल में। खेती पर जीएसटी लगा, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, ट्रैक्टर और खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, और ट्रैक्टर का टायर अगर किसान खरीदने जाए, असेंबली खरीदने जाए, गेयरबॉक्स खरीदने जाए तो 18% जीएसटी। यूरिया और डीएपी की कीमत हर रोज आप देखते और छापते हैं और हम सहते हैं। यूरिया की कीमत, डीएपी की कीमत माफ करिए 1200 से 1900 कर दी। जब राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, वो कीमत तो वापिस ले ली, पर काला बाजारी में आखिर में 2200 रुपया में एक कट्टा मिला। ये तो वो लोग हैं
जिन्होंने यूरिया के कट्टे से 5 किलो खाद चोरी कर लिया पर कीमत वही रही। पोटाश खाद का 50 किलो का कट्टा जो 2014 में 450 का था आज 825 का, सुपर खाद का कट्टा 50 किलो का 2014 में 260 का था आज 340 का। अगर ये सब हम देखें तो आपको इसकी टोटल कैलकुलेशन आती है किसान की जेब से 7 साल में 17.5 लाख करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके मित्रों ने निकाल लिए, वो अकाली दल बादल हो या पर्दे के पीछे आम आदमी पार्टी हो जो बैकअप सपोर्ट भाजपा और मोदी जी के कारनामों को देती है। इसलिए इन चुनाव में एक ही रास्ता और वो है प्रदेश का, देश का मजदूर, खेतीहर मजदूर, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़े भाई, हमारे किसान भाई जो खेती का हिस्सा है, वोट और हमारे आड़ती दुकानदार भाई, वोट की चोट से केवल और केवल इस देश की खेत और खलिहान को बचाया जा सकता है। एक एकमात्र संदेश अब ये। ईडी की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर रेड की गई। इस रेड को लेकर के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि रेड प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे में विफल होने के कारण की गई है। चन्नी ने यह भी कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से सुरक्षा चूक पर माफी भी मांगी थी और प्रधानमंत्री को मैंने शेर भी सुनाया था, फिर भी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के कारण यह किया गया है। चरणजीत सिंह चन्नी ने आगे यह भी कहा कि ईडी के कर्मचारी उनके रिश्तेदार को देर रात तक प्रताड़ित करते रहे और उन्हें डराया धमकाया भी, इस तरीके के लालच भी दिए गए। जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं कांग्रेस पार्टी लगातार पंजाब के लोगों की पसंद बनती जा रही है, इस बात को हजम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। केंद्र सरकार ईडी का, इनकम टैक्स का, बक-बक एजेंसियां का यूज करती है, उसनू बरतती है, बांह मरोड़ के इलेक्शन जीतना चाहती, लेकिन ना पश्चिम बंगाल च कर सके सी ते ना पंजाब च कर सकणगे। प्राइम मिनिस्टर साहब फिरोजपुर च आए, उन्हां दीआं रैली के जाना सी, कुर्सियां खाली सी, वापस मुंडा पे मेरा क्या कसूर है? 10 किलोमीटर अगे जाके भी खाली कुर्सियां तो मुड़के आना सी, 10 किलोमीटर पीछे तो मुड़के, लेकिन ये बदला कोरी मेरे नाल क्यों? जे मैं रात नूं किसानां ते डांगा चला दूंगा, गोलियां चला दूंगा, जबरदस्ती करदा तां मैं ठीक सी, मैं अपने लोगों से क्यों चलावा? होया ही अभी कुछ नहीं, फिर रौला खा है। मैं अरदासा करके दे रही हूं, मैं उन्होंने एक कह के देख लिया कि जी मैं थोड़े चंकी सेहत की थोड़ी जिंदगी की कामना करना, मैं उन्होंने शेर सुना के देख लिया, लेकिन अननेसेसरी जी जेड़ी गल का कोई गल नहीं है उसनू इशू बना के पूरे देश के पंजाब जाना, इसका क्या मतलब है? पंजाबियों को क्यों बदनाम किया जा रहा है? नमस्कार। जिस समय से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की रेड हुई है, उसी समय से कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। यूं कहें कि कांग्रेस खेमे में इस समय चिंता की तस्वीर साफ नजर आ रही है। यही कारण है कि आज मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने 5 मंत्रियों के साथ कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हैं। सभी प्रेस कर्मियों को एक साथ वो जवाब देते हैं कि ये केवल और केवल चुनाव को आते देख बीजेपी का षड्यंत्र है। और दूसरा, चरणजीत सिंह चन्नी ने गंभीर आरोप लगाया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा कि मैंने तो नरेंद्र मोदी को शायरी भी सुनाई, मैंने उनका आवभगत भी किया, उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी
बात भी सुनी, लेकिन बावजूद इसके आज देश के प्रधानमंत्री बदले की राजनीति कर रहे हैं और उनके भांजे को टारगेट किया गया है। और उस एफआईआर का हवाला उन्होंने दिया जो 2018 में एक एफआईआर पंजाब में दर्ज होती है, और उन्होंने कहा कि उनके भांजे के दोस्त का नाम उस एफआईआर में दर्ज था और जानबूझकर उसे घड़ीसा गया। और साथ ही उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि ईडी ने उनके भांजे को करीबन रात 2 बजे तक बिठाकर रखा, इंटरोगेट करते रहे, लेकिन जब उनके हाथ कुछ नहीं लगा और वो जाते जाते ये कहकर के गए हैं कि ये कार्रवाई एक बार फिर होगी। और जब पत्रकारों ने ये सवाल किया कि 10 करोड़ जो रिकवर किए गए हैं, उस पर उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रुपए उनके घर से रिकवर नहीं हुए, ना ही उनके भांजे के घर से रिकवर हुए हैं। गौर करने वाली बात है कि लगातार चरणजीत सिंह चन्नी के माथे पर जो चिंता की लकीरें थी वो साफ दिखाई दे रही थी, और यही कारण है कि पत्रकारों को संबोधित करते हुए कई बार वो रुके भी बीच में, लेकिन उन्होंने एक बार और कहा कि जैसे जैसे चुनाव पास आते चले जाएंगे बीजेपी का ये षड्यंत्र जो है वो बेनकाब वो जरूर करेंगे। और दूसरा, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथ लिया चरणजीत सिंह चन्नी ने। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर कटाश करते हुए ये कहा कि अरविंद केजरीवाल के जो अभी हाल ही में एक जो रिश्तेदार है उनके ऊपर रेड की गई थी और उनके मंत्री के घर से 175 करोड़ की बरामदगी हुई थी, तो उसका जवाब पहले अरविंद केजरीवाल दें और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के किसी नेता पर सवाल जवाब करें या यूं आरोप लगाएं। बहरहाल अब लगातार कांग्रेस खेमे में इस समय आक्रामक रवैया जो है वो नजर आ रहा है। हमारी नजर इस पर बनी हुई है, आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़, नमस्कार। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।